आज हम लगाएंगे डिजायर में फॉग लैंप। आज लगाते हैं फॉग लैंप। चलिए डिजायर गाड़ी में फिटिंग हम करते हैं। सबसे पहले दोनों साइड का बम्पर का स्क्रू खोल लेंगे और नीचे दोनों साइड का स्क्रू खोल लेंगे। बम्पर को ऊपर में चार नट है उसको ओपन कर लेंगे, एक एक करके खोल लेंगे। एक नट खुल गया, चारों नट को हम खोल लेंगे और दोनों साइड रॉकेट बटन है उसको खोल लेंगे। खुल गया। और फॉग लाइट बॉक्स को हम ओपन कर लेंगे, निकाल लेते हैं इसको। इसमें दो भेजल जो हम पहले जो भेजल लगा हुआ है बम्पर में उसको निकाल लेंगे, ये वाला लगा लेंगे। इसमें कटिंग हुआ रहता है, ये फॉग लैंप रिले है, इसमें फ्यूज रहता है बॉक्स है। और वायर इसको हम सेट कर देते हैं और वायर को टाई बेल्ट के सहारे साइड साइड से वायर कर लेंगे। साइड टू साइड वायरिंग कर लेंगे। वायर जो है जो बैटरी का प्लस पॉइंट में हम टाइट कर देंगे, प्लस में नट को खोल के उसके बाद इसी में टाइट कर देंगे। टायर बेल्ट से हम टाइट कर देंगे इस वायर को। ये जो वायर का मिड पॉइंट है, ये माइनस
साइज टाइट कर देंगे, दोनों साइड टाइट कर देते हैं। तीन तीन स्क्रू से टाइट हो जाएगा। एक कपलर को फॉग लैंप में लगा देंगे। सेम लेफ्ट साइड भी फॉग लैंप लगा देंगे। अब जो माइनस पॉइंट था उसको हम बॉडी में यहाँ पर जगह दिया हुआ है उसको हम टाइट कर देंगे। यहीं पर पहला नट को खोल देते हैं, इसमें जो माइनस पॉइंट था वायर का इसमें टाइट कर देंगे। सेट कर देते हैं। और नट को सेम बोल्ट जो खोले थे टाइट कर देंगे। अब अंदर में स्टेरिंग के नीचे एक वायर है, एक स्विच है, जो यहाँ पर हम लगाएंगे। सबसे पहले हम के नीचे जो पैड है उसको खोल लेते हैं, दो स्क्रू है उसको खोल लेते हैं। ये खुल गया। अब पार्किंग पॉइंट में जो साइड में कॉपलर है उसको निकाल देंगे। जो लाइट एडजस्ट करने के स्विच है कॉपलर को निकाल के ये टी वायर जो है इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और फिर ये पॉइंट जो पार्क लाइट एडजस्ट जो होता है स्विच है उसमें लगा देंगे। ये एक पॉइंट जो है फॉग लाइट स्विच लगाने के लिए है, तो हम पेचकस से खाली पॉइंट जो है स्विच का जगह दिया हुआ रहता है उसको निकाल देंगे। और ये पॉइंट जो यहाँ दिया हुआ है देखिए फीमेल पॉइंट, गाड़ी का जो है पहले जो रहता है। और ये वायरिंग टी वायरिंग जो है उसमें जो है नॉर्थ मेल पॉइंट उसको हम लगा देंगे। उसी में अच्छी तरह से लगा लेते हैं। फिर अच्छी तरह से दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद हम चेक कर देते हैं फॉग लाइट को कि काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए जल गया है दोनों साइड का, ये फॉग लाइट दोनों काम कर रहा है।